आज हम मौजूद हैं लाइमलाइट के वेस्ट सेक्शन में। एक दफ़ा पहले भी मैं आई थी, मैं उनका पूरा स्टोर देख रही थी, अनस्टेज्ड स्टेज्ड एवरीथिंग, बस वेस्ट रह गया था। और बहुत से लोगों ने मुझे कुछ वीडियोस में कमेंट्स भी किए हैं कि आप देसी कपड़े दिखा रही हैं, जस्ट यू नो टॉक अबाउट वेस्टर्न क्लोथ्स एज वेल। सो टुडे इज़ द डे। लाइमलाइट जो है वो मेरे वार्डरोब में अगर कोई बेस्ट 10 चीज़ें हैं ना, तो उसमें से 5 लाइमलाइट की हैं। समटाइम्स जब आप यहाँ आते हो आपको स्विफ्ट करना पड़ता है चीज़ों में से, पर एंड पे जो आपको चीज़ मिलती है ना वो नहायत ही खूबसूरत होती है। यहाँ पे मैं दिखाने लगी हूँ एक जंपसूट जो मैंने इनसे लिया था, ग्रीन कलर का, और मैंने अपने ऑफिस के इवेंट पे पहना था। एंड बॉय वाज इट हसीन, इट वाज हसीन। दूसरा जो मैंने इन्हीं से जंपसूट खरीदा था, इट वाज मतलब जंपसूट के हिसाब से उनकी प्राइस जो थी वो बहुत ही मिनिमल थी। आई थिंक 4 या 4.5 हज़ार ज़्यादा बता दिए मैंने, मतलब 3 something हज़ार तक का मैंने ख़रीदा था, लेकिन वो 2 साल पहले की बात है, तो पता नहीं अब ऑब्वियसली महंगाई ज़्यादा हो गई है। ये वाला जो जंपसूट है वो मैंने लिया था, ऑफिस की कॉन्फ्रेंस पे पहना था, शदीद क्लासी और अमेजिंग। इसके अलावा ये वाली पैंट्स जो हैं ये भी लाइमलाइट से ही मैंने ख़रीदी थी, 1500-2000 की। ये जो खूबसूरत तरीन ब्लैक जंपसूट है, 4 या 5 हज़ार का था ये, 1.5 साल मैंने इस पे सेल लगने का इंतज़ार किया था जो कि नहीं लग रही थी, और एंड पे फिर मैंने जाके ये बग़ैर सेल में ख़रीदा क्योंकि इतना दिल आ गया था। और है तो हसीन ही वो, जितना मैंने इसको पहना है और एवरी टाइम आई वेयर इट आई फील ब्यूटिफुल। देखने में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हैं, बट अब थोड़ा दिल भी बंद है कि पता नहीं प्राइस का क्या हाल होगा। आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप टू लंदन इस महीने के एंड पे, यानी अप्रैल के एंड पे, तो मैं चाहूँगी कि मैं थोड़े क्यूट से आउटफिट्स लेके जाऊँ। ये है 2600-2700 का ऑलमोस्ट। अच्छा, ये मेरे लिए थोड़ा मोर फॉर्मल देन नॉट है, सो दिस इज़ नॉट फॉर द ट्रिप, डेफिनेटली इसको नहीं मैं ख़रीदूँगी। ये भी है 2699 की, यार नॉट बैड है, प्राइसेस अभी भी आई थिंक वैसे ही हैं। कार्डिगन, सो क्यूट, इसको स्टाइल करना पड़ेगा जो कि फिर बहुत ज़्यादा मेहनत है, 2399 की, तो इसको तो मैं साइड पे ही कर दूँ। ये भी जो है वो 2399 का है, इस पर क्या बना हुआ है, पोल का डॉट से पिदी 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 से। दिस वन्स क्यूट, इसको मैं ट्राई करके देखना चाहूँगी। हाउ मच इज़ दिस फॉर? दिस इज़ 3000 का। इट्स क्यूट। बाजू इसके ऐसे हैं, तो अब आप अगर कोई लेना चाहता है तो वो देख ले कि वो नीचे इसके क्या पहनेगा, टैंक टॉप, क्योंकि ना इवन इफ इट इज़ स्लीवलेस तो यहाँ तक तो नज़र आएगा ही आपकी जो कमर है। ये एक ड्रेस है जिसकी प्राइस है 3000। यार दिस प्लेस इज़ ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल वेस्ट की प्लेसेस आई हैव सीन, इवन व्हेन ये बड़ी स्टोर की चेन बन चुकी है अब। 2799 रुपीज़। और ये क्यूट है, दिस इज़ क्यूट, इसका स्टफ भी अच्छा है, आई लाइक दिस। बहुत ऊँचा ये, व्हाट इज़ दिस, 2500, पकड़ो यार इसको, पकड़ो इसको, पकड़ने की करो। ये जब नीचे लगा हुआ था तो मुझे क्या ज़रूरत थी छलांगे मार मार के ऊपर जाके अपना स्मॉल साइज़ लेने की। जी इसकी प्राइस क्या है, उन्होंने कहा साइजेस मिल जाएंगे, तो मैंने साइज़ मंगवा लिया, 2399। ये नहीं मुझे पसंद आया, और ये भी आई डोंट थिंक इज़ माय स्टाइल, अगर मैंने मतलब पाकिस्तान में पहनना होता तो मैं ज़रूर इसको पहनती, है तो क्यूट ही। एक चीज़ नज़र आ गई है जो मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि दिस इज़, आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट दिस, लुक सो प्रिटी, बट ये लार्ज है, लेट्स सी इसमें साइज मिलता है मुझे कि नहीं मिलता। ये वाइट पैंट्स के साथ कितना अच्छा लगेगा, आई लव इट। प्राइस है 2899 जो कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई रियली लव इट। ये भी बहुत प्यारा है, दिस शर्ट इज ऑल्सो गिविंग मी लाइफ, लुक एट दिस। नीचे ऑब्वियसली टैंक टॉप वगैरह कुछ पहनना पड़ेगा, इट्स बिल्कुल ही शेयर है, सी थ्रू बहुत ही ज़्यादा, पर टैंक टॉप के साथ मेरा काम तो चल जाएगा। 2699। ऑनेस्टली इफ आई वॉज अ टीनेजर आई वुड हैव लव दिस,
स्कूल वगैरह में पहनने के लिए बहुत ही ओकेजन्स होती हैं आपके स्कूल में जहाँ आप ये पहन सकते हो। ये सब कुछ प्राइसेस मैं बता देती हूँ, बट ऑब्वियसली ये मतलब ये हरकत क्या किया है मैंने, 2000 का ये, नॉट बैड। और ये कितने का है, दिस इज 5000 का, सो इट्स लाइक अ क्यूट कुर्ती टाइप थिंग विद अ बो ऑन टॉप, बो या जो भी नॉट है, इट्स अ नॉट। ये फ्यूजन सा है, मतलब देसी वेस्टर्न मिक्स लग रहा है मुझे ये, 4199। ऑल्सो प्रिटी, इसका कपड़ा भी थोड़ा शाइनी सा है, सो इट कैन बी यूज फॉर फॉर्मल स्टफ। हाँ प्यारा, हाँ यार कितने मज़े का इसका वो है फैब्रिक, सॉफ्ट सा, 3699। तो 99 की नहीं मुझे समझ आती, तो भाई पूरी आप लाइक लिख दो प्राइस। प्रेटी प्रेटी, 4899। ये बेसिक्स का इनका पूरा सेक्शन है, बेसिक्स बेसिक्स। ये जो टी शर्ट्स हैं ना वो थोड़ी लाइक मोटे मटेरियल की हैं, मुझे नाइट सूट्स के लिए चाहिए थी, बट आई डोंट थिंक आई वांट लाइक आई वांट अ सॉफ्टर मटेरियल। 1100 की, ऑलमोस्ट 1199, 1399। ये भी क्या 99, लाइक व्हाट 99 इज दिस, दिस इज 1299 एज वेल। डिफरेंट कलर्स हैं इसके बीच में, ये लाइक प्लीट सी डली हुई है। प्लेन शर्ट्स, दीज आर ऑल बेसिक्स, 1299। सो यू गेट द पिक्चर राइट, लाइक देर डिफरेंट कलर्स शर्ट्स के साथ, और प्राइस रेंज भी जो है वो 1100, 1200, 1300 टाइप्स। ये कार्डिगन है एक, 1899। नेक्स्ट प्लीज। ये क्यूट है, दिस इज प्रीटी क्यूट, इज अ सी थ्रू, या नो टैंक टॉप पहनना पड़ेगा, विच आई डोंट थिंक इसके नीचे अच्छा लगेगा वो, 1499। बट टू ईच देयर ओन यार, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। 1899 तो ऐसा नहीं है कि वो कोई एक चीज़ बुरी है या अच्छी है, बस आपकी पसंद पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है। ये भी अच्छी है फॉर लाइक कैजुअल वेयर, इफ़ यू वॉन्ट टू वेयर इट, 2399। सो सॉफ्ट एंड नाइस, सो सॉफ्ट एंड नाइस। ये मीडियम है, आई थिंक मैं इसको मीडियम में ही ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये मुझे ना थोड़ी पतलू सी लग रही है, और मुझे लाइक मैं बैगी स्टाइल में ही चाहिए मुझे। 2499, आई एम गोइंग टू कीप दिस टू ट्राई ऑन, दिस इज ऑल्सो नॉट बैड। हाउ मच इज दिस फॉर, 2499। ओके, ये थोड़ी चमकीली चमकीली सी है, येलो शर्ट 2000 की। ये प्राइसेस कैसे अफोर्ड कर रहे हैं इतना बड़ा स्टोर लेके, ये हम नहीं जानते, बट चलो if they are doing this so that's great, 2699. This is around 3,299 ki hai ye. Ye blazers hain, these ones 3899 ka. Pants aa gayi hain, pants maine nahi leni hai, 2500-2600 ki pants hain, again 2599, 2600 banta hai almost. Aur ye hain skinnies hain, aur I think straight leg hai. Oi, ye bhi aa rahi hai, par ye kya rang main carry kar sakungi, समर का वक्त है, 2699। स्टाइल देखो कितना मज़े का है इसका, फ्लोई सी शर्ट है, ओह पॉश, इट्स सो पॉश, पुट इट बैक, पुट इट बैक, आई एम नॉट सो पॉश, वेट व्हाट इज दिस, 3999। इसको पहन के ना हम रैंप वॉक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे स्लीव इसका फैंसी से। देखिए मैंने बहुत अरसा जो है वो अवॉइड करने की कोशिश की है ऐसी शर्ट, 3000, बट अब मुझे लगता है वक्त आ गया है इसको एटलीस्ट ट्राई करने का, तो देखूँ तो सही पहन के। इट्स क्यूट, नाइस, थोड़ा पाकिस्तानी टच भी है इस पर, आई लव इट। और इसकी प्राइस है 2999, 3000 का। जो चीज़ पसंद आनी है ना वो मुझे 3000 से नीचे तो कुछ आ ही ना जाए पसंद। वेरी बेसिक, वेरी नाइस, गुड फॉर ऑफिस वेयर, 2299। पहले कोई कमेंट करें ना कि लाइक आप उर्दू में बात क्या करें, मैं, मुझे उर्दू आती है, मैं उर्दू में बात करती हूँ, पर जितनी आती है उतनी मैं बोल देती हूँ, तो ट्रस्ट मी आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग गाइस। यार ये मैं देखना चाह रही हूँ, ये क्वाड सेट है, 5499,
एक सेकंड, ये दो पीस है इसके 4699 में, एक्स्ट्रा लार्ज है ये। पूछूं कि क्या ये, एक्सक्यूज मी, इसमें साइज मिल जाएगा? नाउ वी आर हेयर टुवर्ड्स नंगू पंगू क्लोथ्स। वैसे आई एम जोकिंग गाइस, आई एम जोकिंग, यू कैन स्टाइल इट वट एवर वे यू वॉन्ट। ये अगर येलो कलर का ना होता, क्या सिर्फ 1000 का है ये रात को सोने वाला ट्राउजर? इसमें रंग होने चाहिए ना कोई, तो फिर बात बने। तो जी इसमें साइज नहीं मिला और सैडनेस का मुकाम है ये। ये भी अच्छी, ओ ये तो ट्राउजर है, ओ वाओ इसमें है। ये कलर कितना भी आ रहा है, ये कलर कितना प्यारा है। इसकी प्राइस भी बता देते हैं मुझे, 4700 का है और इसके अंदर भी ट्राउजर है ना। चले इसको ही फिर उतार दें अगर साइज नहीं है तो। गाइस आई हैव लॉस्ट माय माइंड, यहाँ आके मैंने सारा कुछ उठा लिया कि ट्राई करती हूँ। नाइट सूट्स की बारी आ गई है, अप टू 30% ऑफ। टॉप्स जो हैं ये सारे, ये वाले जो हैं टैंक टॉप्स और ये, मतलब ये वाला जो सारा सेक्शन है, ये 999 के टॉप्स हैं और मीडियम लिखा हुआ है, यानी मीडियम है सारे। ये वाला वैसे बहुत मज़े का है, अगर आपको नमाज का इशू ना हो, 3999। ये नाइट सूट है, सो क्यूट, सो क्यूट। ये 30% ऑफ है इस पे और ये असल में है 2499 का। वी आर नाउ हियर एट द पैंट सेक्शन, पैंट्स 2499। वीडियो के शुरू में जो मैंने बताया था अपना कि लाइक मैंने 1500-2000 का ख़रीदा था वो ट्राउज़र, 2399 दैट स्टैंड्स ट्रू अभी तक, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट द सेम है, 2399। वाइड लेग हैं ये, क्या इसको है पता नहीं, ये क्या, आई एम नॉट, आई एम कंफ्यूज्ड। दिस इज प्रिटी, वेट 2399, इसको मैं पहनूंगी किस चीज़ के साथ? डू आई नीड दिस? नीड को तो छोड़ ही दो, मीडियम ही अगर अवेलेबल है सिर्फ तो सोचना ही क्या इस चीज़ के बारे में। ओ माही, ओ माही, यहाँ पे क्या चल रहा है? मोटा कपड़ा, मोटा कपड़ा, स्किप इट, स्किप इट, स्किप इट। नाइस सूट है ये। अच्छा इतना भारी क्यों लग रहा है, मुझे वापस रख दो। तो सामान में कैसे जाएगा ये अगर इतना भारी है तो? 23 kg का वज़न मुझे अलाउड है एक बैग में। इस कलर की मैं आजकल फ़ैन हूँ और मैं बस अपसेस हो चुकी हूँ इस कलर से, बहुत ही ज़्यादा। मोटा ना होता ना यार तो मज़ा आ जाना था ट्राई करने का एटलीस्ट। व्हाट, इन सबकी प्राइसेस का क्या सीन है? 3999, शुक्र है 75,000 नहीं है। या 3899, इस पर काटा उन्होंने मारा हुआ है पता नहीं क्यों। 3699, 3499, खैर चलो इसी रेंज में है सारे। ये क्यूट है पर इसके साथ बेल्ट नहीं है तो मैं थैला ही ना लगूँ इसको पहन के। 3999 यार, इसके नीचे आप वाइट कलर की अगर शर्ट पहन लो ना, इवन हाफ स्लीव्स, ओ गॉड दिस इज सो क्यूट। 3699, अच्छा इसको ना लाइक लेट्स सी अगर वाइट शर्ट मिलती है, एंड लेट्स ट्राई इट ऑन। ओह दिस इज, ट्राई तो मैं तब करूँ इसको जब इसके अंदर साइज हो अवेलेबल। रहने दो, बट लाइक, बट जस्ट नो इट्स वेरी क्यूट। ये भी बहुत क्यूट है बट इसमें भी एक्स्ट्रा लार्ज रह गया हुआ है। और इस वाले की प्राइस क्या है? इट इज 3899। ओह सो क्यूट गाइस, इट इज सो क्यूट। यार सारी वर्किंग वीमेन जो है ना, वो मेरे ख्याल से यहाँ आ जाओ और यहाँ आके अपने कपड़े शपड़े जो हैं वो ले जाए। 3499, यू कैन इवन वेयर लाइक टाइट्स विद इट, एंड लाइक फ्यू अगर आप हिजाब वगैरह लेते हो तो ऊपर हिजाब भी कितना कुछ क्लासी मज़े का लगेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी, लुक ब्यूटिफुल। 3899, थोड़ी ड्रेस पैंट सी लग रही हैं स्लैक्स। It is 2299. चलो टाइट्स भी अवेलेबल हैं और सॉफ्ट तरीन, मज़ा आ गया भाई। ब्लैक में है ये,
एक मैं ही ले लूँ, चलो ब्लैक है ही नहीं, बट शायद वेबसाइट पे मिल जाएंगी। एक वर्ड सेट ही है 4699, पता नहीं लेजिट, आई डोंट नो हाउ दे आर ऑफरिंग दीज प्राइसेस। पूरी बाकी की मार्केट में आग लगी हुई है। ये देखो अंदर क्या है, अंदर इज़ वाइट एंड ब्लैक, और मतलब वाइट थोड़ा डोमिनेट कर रहा है कलर ट्राउजर पे, और ऊपर जो है वो वाइट है। लुक सो नाइस। अब सारी जो मैंने चीज़ें ली हैं, रैक से उठाई हैं, वो उसको हैंगर से उतार रहे हैं, और अब मैं ट्रायल रूम में जाऊँगी इनको ट्राई करने। चले 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 एक पलंदा ऑफ क्लोथ्स लेके। This is mine. So, ये है पर्पल वाली शर्ट। आई थिंक आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस, आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस, क्योंकि ये प्रॉबेबली आई विल वेयर विद लाइक वाइट पैंट्स, और बहुत मुझे क्यूट लगी हैं ये पैंट्स भी। पायदे में मैंने उठाई हैं ताकि मैं इनको स्टाइल कर सकूँ अपनी शर्ट के साथ। लेनी मैंने नहीं है ये पैंट्स, बट सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है। खुशखबरी है सुन लें सबके, जो शर्ट पर्पल वाली है वो 50% ऑफ है, तो वो 1500 कुछ की खरीदने लगी हूँ मैं। ये तो मुझे लग रहा है मैं दफ्तर जा रही हूँ अपने, पता नहीं यार, आई डोंट फील लाइक, बट इट्स सो सॉफ्ट कि छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। कि ये भी क्यूट ही लग रही है, बट आई डोंट नो, लाइक आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल, उतनी नहीं लग क्यूट लग रही जितनी मैं चाहती हूँ कि लगे। अच्छा ये वाली जो शर्ट है ना, ये मैं नहीं ट्राई करी अभी, क्योंकि इसमें टैंक टॉप की ज़रूरत है, और टैंक टॉप से अवेलेबल नहीं है स्टोर में, तो आई थिंक ये मिस है। तो मुझे ये था कि इसको पहन के मैं कोई प्रिंसेस लगूंगी, बट लाइक पिजन लग रही हूँ, सो आई डोंट थिंक आई वांट टू गेट दिस। या नो नो, इसमें वैसे एक गोल्ड कलर भी है, बट ओ गॉड एम आई इन लव, और एम आई इन लव। इसके ट्राउजर का देखो शेप, आप थोड़ा लंबा है, बट अगर हील्स पहन लो इसके साथ तो मज़ा ही आ जाए। नॉट दैट मैं ट्रिप पे हील्स पहन के फिर रही होंगी, बट कुछ डिनर वगैरह पे अगर जाना पड़ जाए, दिस इज ब्यूटिफुल, आई लव इट, आई लव इट सो मच। शुड आई गेट इट? आई थिंक यस। ओके गाइस, मैं वैसे थैंक यू कहना चाहूँगी लाइमलाइट का, जो बेचारे मुझे तब से बर्दाश्त कर रहे हैं, और यहाँ पे ट्रायल रूम ऑक्यूपाई करने दे रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं ली, ये वाला तो मैंने कोऑर्ड सेट ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि मरून वाला पसंद आ गया था, ये वाला जो है। सो आई एम गोइंग टू गेट दिस मरून वाला, और आई एम गोइंग टू गेट दिस पर्पल शर्ट। और पहले मैंने सोचा था कि मैं ये वाली जो ड्रेस शर्ट है, ये वाली कैजुअल सी जो है, वो भी लूँगी। ये सब कुछ नीचे गिर गया है, खैर नहीं मैं उठा देती हूँ अभी। मैं सोचा था मैं ड्रेस शर्ट लूँगी ब्लू वाली, बट मैं अब वो नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू जस्ट गो ओवर बोर्ड, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो मैं नहीं लेना चाहती। ये मैंने सोच लिया कि मैंने कहाँ पहनना है, और जो दूसरी वाली शर्ट है वो मैंने, मुझे पता है मैंने वाइट पैंट्स के साथ पहननी है, और प्रॉबेबली हर जगह ही पहन के जानी है, तो मैं ये दो चीज़ें लेने लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।